फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर। और मैं हूँ नीमा। भाई करवा चौथ आने वाला है। करवा चौथ मेकअप लुक तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। करवा चौथ पे पहनोगे क्या? वही पुरानी साड़ी? क्यों भाई, आजकल तो लहंगे इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं, तो एक लहंगा तो लेना बनता ही है। तो मैं आज आप लोगों के साथ दो ऑप्शन लेकर आई हूँ। अगर आपको पिंक कलर पसंद है तो आप पिंक ले सकते हो, और अगर आपके हस्बैंड को ब्लू कलर पसंद है तो आप ब्लू ले सकते हो। आप भी खुश, हस्बैंड भी खुश। तो इनमें से आपको कौन सा वाला ज्यादा पसंद आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करना भूल जाते हो और वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हो। तो चलो, इसलिए मैंने सबसे पहले ही बोल दिया, कमेंट भी करना है आपने और लाइक भी करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ब्लू कलर का लहंगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को तो ब्लू कलर पसंद है, और मुझे लगता है आदमियों को ब्लू कलर सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो मैं एक आपके साथ ऑप्शन लेकर आई हूँ आज। ये है थ्रेड वर्क के साथ, बहुत ही प्यारा लहंगा है ये। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार पूरा खोल के इसको, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा लहंगा है। मतलब आने वाले सीजन में अगर आपकी शादी सगाई होने वाली है ना, तो भी आप इसे अपनी एंगेजमेंट में पहन सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार इसको, अंदर की तरफ से इसमें लगा हुआ है इनर, बहुत ही बढ़िया वाला। और एम्ब्रॉयडरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सीक्वेंस वर्क भी हो रखा है, थ्रेड वर्क भी हो रखा है, और जो ये गोल्डन और सिल्वर का काम है ना, ये ब्लू कलर के ऊपर बहुत ही बढ़िया निकल के आया है। तो आप देख सकते हैं, कमर की अगर मैं बात करूं तो यार ये इतना बड़ा है, तो मुझे लगता है अच्छी खासी कमर की औरत को ये आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इसका वर्क दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, पूरा लहंगा भरा हुआ है, कहीं से भी आपको प्लेन कपड़ा नहीं दिखेगा। ऊपर आपको जाली वर्क सा मिल जाएगा इस तरीके का बना हुआ, और ऊपर बिल्कुल बेल्ट की तरफ मिल जाएगा सीक्वेंस वर्क। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे ये फ्लावर्स बने हुए मिल जाएंगे नीचे की तरफ, ऐसा डिजाइन आपको मिल जाएगा। नीचे आपको बॉर्डर लगा हुआ मिल जाएगा। फैब्रिक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लगा हुआ है कैन कैन, जिसकी वजह से ये लहंगा बहुत ही अच्छी शेप ले रहा है। तो मैं आपको एक बार पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ पास से, देख सकते हैं आप। इसकी एम्ब्रॉयडरी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो बहुत ही नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसकी। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसका डिजाइन और प्यारा होता जाएगा। तो मुझे तो ये लहंगा बहुत पसंद आया। इतना ही सुंदर है इसका दुपट्टा, मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा भी। ये लहंगा ओवरऑल ब्लू कलर का ही है, इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है। दुपट्टे में इस तरीके का गोल्डन बॉर्डर मिल जाएगा, और मिल जाएगी बहुत ही प्यारी वाली एम्ब्रॉयडरी। ये देख सकते हैं आप, दुपट्टे की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो ये कहीं से छोटा नहीं लग रहा है। ये है इसका दुपट्टा। अब हम एक बारी ब्लाउज पीस भी देख लेते हैं। ब्लाउज पीस भी आपको फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ मिलता है। मतलब मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी ना, तब लहंगे इतने महंगे हुआ करते थे कि हम लोग ये नहीं सोच सकते थे कि हर फंक्शन में एक लहंगा बनवाए। पर अब लहंगे इतने सस्ते हो गए ना कि अब तो मैं सोचती हूँ दिवाली, करवा चौथ, इस टाइम पे तो लहंगा बनाना बनता ही है। तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं, सस्ता लहंगा है, लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मैंने मंगवाया है zatki.com से। ये आप देख सकते हैं इसका ब्लाउज पीस, ये है इसका फ्रंट या बैक, आप जो भी बनाना चाहते हैं। और दूसरा आपको मिल जाएगा ये, तो जिस भी साइड से आप ओपन बनाना चाहते हैं वहां से इसे बना सकते हैं, और जिस भी साइड से क्लोज होगा आपका वो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको कपड़ा मिल जाता है। ब्लाउज पीस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये कहीं से छोटा नहीं लग रहा है, ये देख सकते हैं। ये तो हो गई ब्लू लहंगे की बात, अब बात करती हूँ पिंक लहंगे की। ये है मिरर वर्क के साथ, आप देख सकते हो शीशे ही शीशे चमकने वाले हो आप। अगर आपको पिंक कलर बहुत पसंद है तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। शीशे में अगर आपको दिखाऊं ना, चम 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 बिल्ली बनने वाले हो आप अगर आप इसे पहनते हो। तो अंदर लगा हुआ है इसके कैन कैन। फैब्रिक की अगर मैं बात करूं तो इसका फैब्रिक है शिफॉन का। तो अगर आप लड़की हो, नहीं अभी आपका करवा चौथ का फास्ट है, तो भी अगर आप पहनना चाहते हो दिवाली पे पहन सकते हो इसको, बहुत ज्यादा हैवी वेट इसका नहीं है। तो ये आप देख सकते हो पूरा लहंगा। कमर की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो अच्छी खासी कमर को आ जाता है ये। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी छोटा पड़ने वाला है। और मिरर वर्क आप देख सकते हो, इसका शाइन आप देख सकते हो, इसकी बहुत ही प्यारा ये लग रहा है मुझे तो। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे ना, इसमें गोल्डन कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, इस तरीके के फ्लावर्स बने हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है।
और फिर नीचे जब हम दोबारा जाएंगे सबसे नीचे तो वहां पर भी मिरर वर्क हो रखा है। तो मतलब ऊपर और नीचे आपको मिल जाता है पूरा मिरर वर्क, और बीच में आपको एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर्स बने हुए मिल जाते हैं। अब मैं कोशिश करती हूँ आपको पूरा एक बारी में दिखाने की। गिर गया, एक मिनट, ये देख सकते हैं आप। तो ये है पूरा लहंगा, शिफॉन का फैब्रिक है इसका, नेट का या साटन का फैब्रिक नहीं है। इनर की अगर मैं बात करूं तो इनर साटन के कपड़े की लगी हुई है, और इसमें लगा हुआ है बहुत ही अच्छी मात्रा में कैन, जिससे कि आपके लहंगे का फ्लेयर बहुत अच्छा आने वाला है। अब बात करती हूँ इसके दुपट्टे की और इसके ब्लाउज। अगर मैं बात करूं तो बेबी पिंक कलर का दुपट्टा है इसका, और डार्क पिंक कलर का बॉर्डर दिया गया है इसमें। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, बीच में इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। सॉफ्ट नेट है ये, कहीं से भी आपको चुभेगा नहीं, और आप देख सकते हो अच्छा खासा लंबा चौड़ा दुपट्टा आपको इसमें मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हो कितना बड़ा, तो कहीं से भी आपको छोटा नहीं पड़ेगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा लहंगा ज्यादा पसंद आया, पिंक वाला या ब्लू वाला। ब्लू वाला था ये, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया बहुत, इसकी चोली थी ये, और ये है पिंक वाले का ब्लाउज, क्योंकि कई औरतें मुझे बोलती है ब्लाउज सही से दिखाया करो भाई। तो ये है इसका ब्लाउज। तो ये था पिंक वाला लहंगा, वो है ब्लू वाला लहंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ज्यादा कौन सा अच्छा लगा। दोनों के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों मैंने मंगवाए हैं zatki.com से। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।